नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जूता फटने पर वकील ने दुकानदार को भेजा नोटिस, कहा मैं साले के लड़के की शादी में नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक वकील ने एक जूते खरीदे थे, जूते फट गए तो दुकानदार को नोटिस भेज दिया। वकील का कहना है कि जूते फटने के कारण वह अपने साले की शादी में नहीं जा सका, जिससे वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। हालत नाजुक होने पर उसने कानपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर के कमलानगर कलेक्टर गंज के रहने वाले ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी पेशे से वकील हैं। ज्ञानेंद्र को अपने साले के बेटे की शादी में शामिल होने जाना था। इसके लिए उन्होंने 21 नवंबर 2023 को जूते खरीदे और ऑनलाइन पेमेंट किया, जिसकी रसीद भी उनके पास है। जूते की 6 महीने की गारंटी बताई गई, लेकिन 4 से 5 दिनों में जूता फट गया। इसके कारण ज्ञानेंद्र अपने साले की शादी में नहीं जा सके। ज्ञानेंद्र का कहना है कि इसी कारण वह मानसिक तनाव में आकर बीमार पड़ गए। कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराया, जिसमें 10,000 रुपए का खर्च आया। जब मानसिक रूप से स्वस्थ हुए तो 19 जनवरी 2024 को अपने वकील साथी के माध्यम से दुकानदार को नोटिस भेजा और 15 दिनों के अंदर इलाज में खर्च हुए 10,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन के और जूते के 1,200 रुपए वापस करने की मांग की। ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी ने कहा कि 21 नवंबर को मैंने जूते खरीदे थे, मुझे अपने साले के लड़के की शादी में जाना था, मैं शादी में जा नहीं सका। जूता 4-5 दिन में ही खराब हो गया, तब से मैं बिना जूते के चप्पल के ही हूँ। हमने वकील के जरिए नोटिस भेजा है, मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया था, जिसका इलाज कानपुर में कराया। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले। इस मामले में शू शॉप ओनर सलमान हुसैन ने कहा कि ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी ने मेरी दुकान से जूते लिए थे, लेकिन मैंने बाटा ओरिजिनल बताकर उन्हें नहीं दिया। जो जूते उन्होंने लिए थे वह 50% ऑफ में दिए गए थे। जो बिल उनको दिया गया है उसमें 6 महीने के अंदर जूते का सोल खराब होने की गारंटी दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।